So, in this session, we will perform fluoride test. Okay, we have aim that to determine fluoride concentration in given water sample. तो एक्चुअली हमने इसमें और भी सारे प्रैक्टिकल करके कर रखे हैं, बट हुआ ये है कि फ्लोराइड कंसंट्रेशन का टेस्ट हम लोग जो है अभी तक नहीं कर पाए, क्योंकि वो रह गया है ना, फ्लोराइड कंसंट्रेशन रह गया था, याद है? यस सर। तो बेसिकली हम लोग जो इसमें कर चुके हैं उसमें कौन कौन सा है, मुझे लगता है काफी प्रैक्टिकल हम लोगों ने कर लिए हैं पहले ही। तो एक तो टर्मिनिटी हो गया था, राइट? उसके बाद सस्पेंडेड सॉलिड हो गया है, डिजॉल्व सॉलिड हो गया है, आपको डिजॉल्व सॉलिड हो चुका है, बीओडी हो चुका है, सस्पेंडेड सॉलिड हो चुका है ना, और क्या है इसमें, रेजिडुअल क्लोरीन लिखे थे आप लोग, पेस्ट याद है किसी को? ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसमें छः ठीक है, और जो बेसिकली नीचे जो है वो सब भी ऑलमोस्ट क्लियर है, हो जाएगा। डिजाइन ऑफ सेफ्टी टैंक तो हम लोग थ्योरी में ही पढ़ लेंगे, ठीक है ना? इसको हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी में ही पढ़ लेंगे, ये जो आप दोनों देख रहे हैं इस चीज़ को। 5 और 6 तो थ्योरी से कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि सेफ्टी टैंक तो हम लोग देख रहे थे। तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ठीक, 9 प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट है, हो चुका हम लोग का, इंक्लूडिंग दिस अगर ये कर लेंगे अभी, प्लस जार टेस्ट का हम लोग को ऑब्जर्वेशन करना है। वी हैव सीन द थ्योरीज, ठीक है, थ्योरी पार्ट हमने देखा, प्रोसीजर पार्ट देखा है, बट उसको परफॉर्म करेंगे जार टेस्ट को, और हम लोग उसमें निकालेंगे ऑप्टिमम डोज निकालेंगे कोगुलेंट्स का, तो वो भी कर लेंगे। ओके, और एक रेजिडुअल क्लोरीन का रह जाएगा और एक सीओडी रह जाएगा, तो फिर उसको कर लेंगे। तो मतलब कुल मिला के आप देखेंगे तो 3-4 प्रैक्टिकल जो है, 4 प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट बचे हैं इस प्रैक्टिकल में, इस लैब में। ओके, सही बात है कि नहीं, क्लियर है ना ये चीज, आप लोग लिखे हुए हैं नोटबुक में? यस। ओके, तो चलिए हम लोग आज परफॉर्म करते हैं, फ्लोराइड कंसंट्रेशन निकालते हैं एक गिवन वाटर सैंपल में। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, एक वाटर सैंपल चाहिए, तो सैंपलिंग के थ्रू हम लोग पानी लेके आ जाएंगे, जिसका टेस्ट करना है, जहाँ का फ्लोराइड टेस्ट करना है कर ले, वहाँ ले आएंगे पहले सैंपल को लैब में। तो इसको करने के लिए हम लोग चलते हैं वर्चुअल लैब के पास, ठीक है, वर्चुअल लैब में जाएंगे, वर्चुअल लैब से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो वर्चुअल लैब में हमने पहले भी एक प्रैक्टिकल किया हुआ है, बीओडी के बारे में किया था हमने, तो आज भी करते हैं फ्लोराइड का आज, ठीक है। तो वर्चुअल लैब आप समझ सकते हैं क्या है, जान रहे हैं उसके बारे में, ठीक है? यस सर। ठीक है, एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, और विद द हेल्प ऑफ आईआईटीज, ठीक है, AAIITs, एनआईटीज, ये डेवलप किया गया है। तो आज हमारा जो सेशन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये अगर जाइएगा अगर इस पेज पे आप, तो वहाँ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 करके जो है एक आपको टैब मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा जनरली जो बीओडी, सीओडी और ये सब जो आता है इसमें एक्सपेरिमेंट, जो मतलब हम लोग के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लोराइड कंटेंट आपको यहाँ दिख रहा होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लोराइड इन वाटर, तो हम इसको क्लिक करेंगे और हम लोग वर्चुअल लैब में इन कर चुके हैं, एंड नाउ वी आर सीइंग एम। सो आवर एम इज टू डिटरमाइन फ्लोराइड कंसंट्रेशन इन द गिवन वाटर सैंपल बाई आयन सेलेक्टिव मेथड। तो बेसिकली होता क्या है, जो फ्लोराइड कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, ओके, वी हैव 2 मेथड फॉर दिस डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लोराइड कंसंट्रेशन। तो एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं जो कलर मैचिंग टेक्निक है, ठीक है, कलोरोमेट्रिक बोल सकते हैं उसको, तो एक वो है, ओके, तो इसमें क्या हम लोग 2 मेथड यूज करते हैं। तो एक मेथड आपको यहाँ दिख रहा होगा आयन सेलेक्टिव मेथड दिख रहा होगा, एक हम लोग करते हैं क्लोरोमेट्रिक मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम लोग कलर मैचिंग का टेक्निक यूज करते हैं। जैसा कि आपको जब हम लोग ये वाटर सप्लाई पढ़ रहे थे, पब्लिक वाटर सप्लाई का जो यूनिट था, यूनिट 2 आप लोग पढ़ रहे थे थ्योरी में, तो हम लोग उसमें देख रहे थे वाटर क्वालिटी देख रहे थे, एक टॉपिक था हमारा,
उसमें आपने देखा होगा कि जो केमिकल पैरामीटर होते हैं वाटर के, उसमें आपने इसको देखा होगा कि फ्लोराइड भी होता है। तो फ्लोराइड का भी एक अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है, पानी में। और पानी में फ्लोराइड जो है एक सर्टेन इसका जो अमाउंट है, परमिसेबल अमाउंट है, जो डिजायरेबल अमाउंट है, वो आपको कहाँ से मिलेगा, जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड कोड है वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आप अगर याद होगा अगर आपको, तो ये 1.5 ppm था, मतलब 1.5 mg पर लीटर डिजायरेबल होता है आपको फ्लोराइड इन वाटर। तो फ्लोराइड का एक अपना इम्पोर्टेंस है पानी में, फ्लोराइड रहना भी चाहिए, ठीक है। फ्लोराइड आपके आपके लिए भी फायदेमंद है, ठीक है, और इसका एक्सेस होगा तो भी खराबी करेगा आपको, हानिकारक हो आपके लिए, ठीक है, कुछ हार्म करेगा, और अगर ये कम भी होगा तो भी आपको हार्म करेगा कि आपका जो जो डिजायरेबल है जो आपको चाहिए वो नहीं रहेगा। तो बेसिकली अगर फ्लोराइड के बारे में आपको पता है कि फ्लोराइड का क्या इम्पोर्टेंस है आपके लिए, हमारे लिए, कि पानी में क्यों रहना चाहिए, तो बताएं कोई किन पास आइडिया है इसका, कोई है जिनके पास ये आइडिया हो? सर फ्लोराइड अगर ज्यादा हो जाता है सर तो इससे टूथ डीके होता है सर, यानी कि माउथ में जो है इसका इफेक्ट पड़ता है सर, दांत का मतलब डीके होने लगता है। हाँ, तो ये दांत का, टीथ का जो है डीके हो सकता है, किस केस में हो सकता है, जब ये एक्सेस कंडीशन में रहता है, तब, ये ना जी, ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं आप? यस सर, ओके, जब 5 mg पर ये लीटर हो पॉसिबल है। जाता है। हाँ वो ठीक है, मतलब आपको डेट जो है उतना आपको डिजायरेबल है, उसके ज्यादा जो भी होगा वो हार्मफुल होगा, ठीक है। तो 5 से ज्यादा हो जाएगा तब तो आपका डीके ऑफ टूथ बोल रहे हैं आप, टीथ बोल रहे हैं, दांत का डीके हो सकता है, हाँ इस तरह बात बोल रहे हैं। तो ये चीज होता है, ठीक है। और फ्लोराइड का क्या है आपके लिए, ये फ्लोराइड क्यों चाहिए, कोई किसी को पता है आपको फ्लोराइड का क्या आवश्यकता है? पानी में फ्लोराइड डालने से फायदा क्या होगा हमको, ठीक है? तो नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अब हम लोग इस लैब में समझ लेंगे। आप इस चीज को पहले भी पढ़े होंगे, फ्लोराइड का कंसंट्रेशन एक्सेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑप्टिमम क्या है। तो एक बार अगर आप थ्योरी पढ़िएगा जो आपका यूनिट 2 है, तो आपको वहां से भी कुछ क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज द थ्योरी पार्ट इन वर्चुअल लैब, आप यहाँ देखिए। तो यहाँ पे थ्योरी दिया हुआ है, इस जो लैब का हमारा जो एक्सपेरिमेंट है फ्लोराइड कंसंट्रेशन निकालने का, तो थ्योरी पार्ट में अगर देखेंगे तो ये कह रहा है, फ्लोराइड प्रेजेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय इधर क्लोरीमेट्रिक मेथड और आयन सेलेक्टिव मेथड। सो देर आर टू मेथड्स वी कैन यूज फॉर डिटरमाइनिंग दिस फ्लोराइड कंसंट्रेशन। तो एक तो आ गया आपका क्लोरीमेट्रिक हो गया, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोग कलर टेक्निक्स का यूज करते हैं, कलर मैचिंग का यूज करते हैं, प्लस ये जो मेथड है इससे हम लोग वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड हम निकालते हैं, इससे हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए ये मेथड जो होता है आपको लिमिटेड है टू लो कंसंट्रेशन फ्लोराइड, ठीक है। अगर बात करें आयन सेलेक्टिव मेथड की, तो ये मेथड काफ़ी एडवांस मेथड है, ठीक है। क्लोरीमेट्रिक मेथड तो बेसिक है, उसके बाद ये एडवांस मेथड आया, मॉडल मेथड है आयन सेलेक्टिव मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोड होता है ना, जैसे हम लोग यूज करते हैं कंडक्टिविटी टेस्ट कर रहे थे, पीएच टेस्ट कर रहे थे, या जो भी हम लोग वाटर टेस्टिंग किट से हम लोग जो भी टेस्ट कर रहे थे डीओ का, टीडीएस का, सब में देखते होंगे आप कि एक इलेक्ट्रोड लगा रहता था, याद है लैब का, याद है आपने देखा होगा तो? यस सर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह का आपको इलेक्ट्रोड रहेगा, ठीक है, और आपको बेसिकली एक कॉम्पिटिबल, एक तो पोर्टेबल जो है आपको डिवाइस है जिससे हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं। तो वी ऑनली नीड ए मशीन, ठीक है, जिसमें हम लोग टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए एक टेस्टर है हमारे पास, सॉरी। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है। विथ कलोरीमेट्रिक मेथड हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब हम इसको हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड को नहीं निकाल पाएंगे। विथ आई एस ई मेथड, दैट इज आयन सेलेक्टिव मेथड, वी कैन डू वाइड रेंज ऑफ फ्लोराइड टेस्ट, ठीक है। फर्दर कलर एंड टर्बिडिटी विल नॉट इंटरफेयर, और कलर और टर्बिडिटी जो है अगर पानी में है भी तो वो डिटर्मिनेशन को इंटरफेयर नहीं करेगा इन प्रेजेंट, अगर हम लोग आयन सेलेक्टिव मेथड को यूज करते हैं तो। अदरवाइज क्लोरोमेट्रिक टेस्ट करेंगे
इस पे था, अगर फ्लोराइड कंसंट्रेशन निकालेंगे तो हो सकता है कि कलर और टर्बिडिटी होने से इंटरफेरेंस हो जाए, हमारा वैल्यू सही नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ है। और पढ़िए आप, फ्लोराइड इलेक्ट्रोड इज एन आयन सेलेक्टिव सेंसर, मतलब ये क्या है, जो फ्लोराइड आयन को है उसको फाइंड कर रहा है और उसको क्या है, एक स्पिंडल से कंपैरिजन कर रहा है। तो जो आप इलेक्ट्रोड देखते हैं उसमें क्या होता है, एक्चुअली जो एक एंड रहता है वो पानी के अंदर जाता है, आप देखे होंगे छोटा सा बीकर हम लोग लेते हैं, उसमें हमने 100 ml 50 ml जो वाटर सैंपल है उसको लिया, ठीक है, और उसको हमने वहाँ ले गए, उसको उसके डीप कर दिया उसमें हमने इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोड को जब डीप किया तो उसमें जो है आपका रीडिंग शो करता है, सीधा जो आपको डिस्प्ले है उसमें रीडिंग उसका आ जाएगा। तो होता क्या, जो इलेक्ट्रोड है उसमें बेसिकली एक एंड जो होता है पानी में टच करता है, वो आयन को सिलेक्ट करेगा, सेंस करेगा, ठीक है, कितना फ्लोराइड आयन उसमें है, और एक जो एंड है उसमें क्या है, रेफरेंस जो केमिकल्स जो है उसमें रहता है। तो एक जो यहाँ पे रेफरेंस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं AgCl, ओके, AgCl उसका उसको बोला जाता है, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो यूज करते हैं हम लोग एक एंड पे, ठीक है, ये मशीन का एक्चुअली पैरामीटर बोल सकते हो, उसका फंक्शन है, तो उसमें ये चीज यूज करते हैं, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है। चलिए और देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक चीज और करेंगे, जैसे कि देखते हैं कभी, जैसे मान लीजिए हमारा टेस्टर है, उसको फिर आपको क्या करना होगा कि डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ फिर उसको कैलिब्रेट भी करना पड़ता है, ठीक है, ताकि उसका जो कैलिब्रेशन सही रहे, ताकि हमारा वाटर जो सैंपल है उसको टेस्ट करेंगे तो सही रिजल्ट आए, ठीक है। इसमें एक और चीज क्वेश्चन कुछ आ सकता है कि द की एलिमेंट इन फ्लोराइड इलेक्ट्रोड इज द लेजर टाइप डॉप्ड लैंथेनम फ्लोराइड क्रिस्टल, ये याद कर सकते हैं आप अगर याद करना है तो, बट ये आपको लैब तक है, लैब में पूछा जाएगा, वाइवा में पूछा जा सकता है, तो आप इसको लिख लेंगे जरूर, अगर आपको जो भी पेज है अभी उसमें लिख सकते हैं, बाद में आप जब सब कुछ ओपन होगा तो फिर आप इसको फाइल में करके जमा करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रोड है उसमें की एलिमेंट क्या रहता है, तो लेजर टाइप डोप्ड लैंथेनम फ्लोराइड क्रिस्टल अक्रॉस विच अ पोटेंशियल इज एस्टेब्लिश्ड बाय फ्लोराइड सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन का हम लोग फ्लोराइड सॉल्यूशंस यूज करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका पोटेंशियल एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो है इलेक्ट्रोड की बात, ये तो है मशीन की बात जो हम लोग यूज करेंगे, जो हमारे पास डिवाइस होगा उसको, ठीक है। फ्लोराइड फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विद सेवरल पॉलीवेलेंट कैटायंस नोटेबली एल्युमिनियम एंड आयरन। इसका कहने का मतलब ये है कि जो फ्लोराइड है ये जब रिएक्शन करेगा, मान लीजिए आप कोई रिएजेंट पिलाएंगे तो ये क्या है, पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्रिएट करेगा, बनाएगा, उसमें पॉलीवेलेंट कैटायंस वगैरह रहेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो फ्लोराइड है उसको स्पेशली आपको फाइंड करना है, उसके लिए हम लोग सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स का यूज करेंगे। तो उसमें से एक जो है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल आयोनिक स्ट्रेंथ एडजस्टिंग बफर, जो आपको शॉर्ट में लिखते हैं TISAB, दिख रहा है आपको। तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, जनरली यूज करते हैं एज अ बफर। तो ये आपको एक स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा, आपको मिलेगा उसके साथ, ठीक है, लैब में रहेगा हमारे यहाँ, और उससे हम लोग टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या करता है, जो बफर होता है ये आपको क्या करता है, जो फ्लोराइड आयन है उसको, ठीक है, उसको जो है फ्री रखेगा, मतलब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है उससे उसको फ्री करके आयन को ऐसे रखेगा ताकि वो डिटेक्ट हो पाए इलेक्ट्रोड से। तो उसमें ये हेल्प करता है जो बफर है, ठीक है। बफर एक और चीज क्या है, यहाँ पे क्या है, जो पीएच का एक रोल है कि पीएच जो है, जो पीएच है अबव 5.0 रखने से हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अवॉइडेड। तो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन है हाइड्रोजन फ्लोराइड का वो वहाँ पे नहीं होगा अगर हम लोग पीएच 5.5 से ऊपर रखें तो। दूसरा, इंटरफेरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इज अवॉइडेड बाय मेंटेनिंग पीएच बिलो 5.5, और 5.5 से बिलो रखेंगे तो हमारा जो इंटरफेरेंस हाइड्रोजन आयन से वो भी अवॉइड होगा। मतलब हमको रखना कहाँ है, 5.5 से 5.5 के बीच में रखेंगे तो हमारा सब सही रहेगा, ठीक है। तो ये सब फैक्टर है, कभी कभी पूछा जाएगा, मान लीजिए वाइवा में पूछ सकते हैं, इसको आप लोग पढ़िएगा थ्योरी को फिर से, ओके। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, एक और जो लाइन यहाँ पैराग्राफ दिख रहा होगा, फ्लोराइड इज फाउंड इन सेवरल मिनरल्स सच एज हेपेटाइट एंड माइका, जो आपको माइनिंग से निकलता है मिनरल्स उसमें भी फ्लोराइड का कंसंट्रेशन पाया जाता है, ठीक है। वो उससे क्या होगा, पानी में आ सकता है, प्लस जो आप देखते होंगे कहीं कहीं फ्लोराइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है किसी भी सर्टेन एरियाज में, विलेजेस में,
कहीं शहर में ही देखते हैं कि यहाँ फ्लोराइड ज्यादा है, जैसे आप बोलते हैं कटिहार में आयरन बहुत ज्यादा है ना, कहीं बोला जाता है आर्सेनिक बहुत ज्यादा है, तो ये क्या है कि इस तरह का अगर माइका एपेटाइट, इस तरह का मिनरल्स अगर जहाँ पे मान लीजिए होगा, या उस तरह का अर्थ में क्या है, अर्थ तो अर्थ है ठीक है, अर्थ में तो हर चीज है, तो पानी जो है अंडरग्राउंड वाटर हम लोग यूज करते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे सर्टेन फ्लोराइड का कंसंट्रेशन उसमें इन हो गया हो, तो उससे हमारा पानी में जो है फ्लोराइड ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, तो हम लोग को क्या करना होगा, फ्लोराइड को रिमूव करना होगा। तो टेस्टिंग का यही इंपोर्टेंस है कि हम लोग क्वालिटी को पता करेंगे कि कितना उसमें फ्लोराइड है, एंड अगर हमारा पानी जो है उसमें फ्लोराइड कंसंट्रेशन आपने निकाला और उसका ज्यादा है 1.5 से, तो आप कहें कि ये पानी पीने के लायक नहीं है, ठीक है। तो वो चीज है, क्वालिटी का इम्पोर्टेंस ये है, तो इसलिए हम लोग क्वालिटी को टेस्ट करके निकालना चाह रहे हैं कि हम लोग इसको निकाल लें पहले, ठीक है। चलिए एक और चीज पढ़िए, यहाँ लिखा है लाइन की फ्लोराइड इज एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी टूथ इनेमल। तो टूथ इनेमल एक्चुअली क्या होता है, तो देखिए फ्लोराइड जो होता है ना ये आपके टीथ के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो मतलब क्या हुआ जो टूथ एनेमल, एनेमल की बात कर रहे हैं, एनेमल जो है वो क्या है, जो आप दांत है, दांत के ऊपर का जो परत देख रहे हैं, जो हार्ड आपको दिख रहा है, अगर दांत का आप देखेंगे अगर टच करके देख रहे होंगे, तो वो जो ऊपर का जो लेयर है ठीक है, जिसमें दांत, जिसको दांत को वो प्रोटेक्ट कर रहा है एक्चुअली, जो टूथ एनेमल है, जो हार्ड सरफेस है ऊपर, वो किससे आया है, वो फ्लोराइड से आया है, ठीक है। फ्लोराइड होने के कारण वो उसका एसेंशियल एलिमेंट है, फॉर्मेशन ऑफ टूथ इनेमल, ताकि हमका दांत टूटेगा नहीं, दांत डिके नहीं करेगा, इसके लिए जो दांत के ऊपर ऊपरी परत जो आप देख पा रहे होंगे दैट इज टूथ इनेमल। तो ये जो होता है बहुत हार्ड होता है, मतलब कहा जाता है कि आपका जो बोन्स है उससे भी ये हार्ड होता है, मतलब हड्डी से भी हार्ड होता है आपका जो सिर्फ टूथ बॉडी का है। सबसे कठोर पार्ट होता है ये। हाँ बिल्कुल 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 सही, फॉर दिस पर्पस। हाँ तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर दिस पर्पस जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लोराइड का कंसंट्रेशन रखते हैं, ठीक है। तो एक क्लोराइड का कंसंट्रेशन हम लोग उसमें जनरली रखते हैं जो कि यूजफुल है आपके लिए। हाउएवर फ्लोराइड कैन बी हार्मफुल, हो सकता है जब आप एक्सेस में अगर इसको ले रहे हैं, तो द फ्लोराइड कंसंट्रेशन ऑफ 5 mg/L कैन कॉज टूथ डिके मोर देन केसेस, मतलब ये क्या होता है बहुत सारे केसों में, जब 5 से ऊपर होगा तो ज्यादातर केसों में ये टूथ डिके मतलब दांत का टूटना हो जाएगा, डिके करना हो जाएगा, ठीक है, छैनी बोलते हैं हिंदी में, वो हो जाएगा, ठीक है। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो पीने का पानी है उसमें आपको 1.5 mg/L हम लोग जनरली यूज करते हैं। फ्लोराइड जो होता है वो सॉइल का भी एक पार्ट है, एक फॉर्म है, ठीक है, उसमें रहता है, उसमें मिनरल एलिमेंट्स के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो सब क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ऐसा हार्मलेस, हार्मलेस है मतलब हार्म, मतलब उसमें कोई हार्म नहीं करता है, ठीक है। एक और चीज देखिए, एक लाइन है कि आपका जो रेफरेंस है इसका कोड दैट इज दिस, इसमें हम लोग मेथड ऑफ सैम्पलिंग देख सकते हैं और टेस्ट देख सकते हैं हम लोग जो फ्लोराइड कंसंट्रेशन निकालने का है वाटर में, ठीक है। तो ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड कोड दिया हुआ है, आप इस पे भी जाके देख सकते हैं। सो दिस इज इट, द थ्योरी पार्ट हमारा खत्म हो गया, अब हम लोग प्रोसीजर पे चलेंगे। तो प्रोसीजर पे क्या करेंगे हम लोग, चलते हैं सिमुलेशन करते हैं और देखते हैं कि हम लोग प्रोसीजर कैसे करेंगे। तो जनरली हम लोगों के पास क्या है, आप ये समझ लीजिए जैसे हमारे पास कंडक्टिविटी मीटर होता है, ठीक है, टर्बिडिटी मीटर होता है, जैसे आपके पास पीएच मीटर होता है, उसी तरह का एक डिवाइस है हमारे पास, एक इलेक्ट्रोड रहेगा, हमको क्या करना है, एक पानी लेके जाना है, इलेक्ट्रोड के अंदर डीप करना है और हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा इसमें प्रोसीजर है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक चीज़ क्या है कि एक कैलिब्रेशन एक चीज़ आती है, तो कैलिब्रेशन भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आपको स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा और उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए हमारा मेन जो आ गया, ये हमारा जो सिमुलेशन है दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ वर्चुअल लैब, तो आइए इसमें हम लोग करते हैं, इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ओके गुड, तो सबसे पहला चीज यहाँ बोला जा रहा है, ऑब्जेक्टिव लिखा है आपका, टू डिटरमाइन फ्लोराइड कंसंट्रेशन इन द गिवन वाटर सैंपल बाय आयन सेलेक्टिव मेथड। तो आयन सेलेक्टिव मेथड का यूज करके आपको क्या करना है, इसको निकालना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जो एपरेटस यूज किया गया है वो एपरेटस क्या है आपके पास, बताइए क्या एपरेटस हमने यूज किया है। देखिए आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड मीटर, फ्लोराइड आयन सिलेक्टिव यस, इलेक्ट्रोड। तो सुनो हाँ एक मिनट पूछिए कि आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड मीटर इज द डिवाइस, जैसे बोलते हैं आप टर्बिडिटी मीटर, तो इसका नाम क्या हो गया, आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड मीटर।
ISE मीटर हम लोगों को चाहिए टू परफॉर्म दिस टेस्ट। ओके चलिए, दूसरा आप देख रहे होंगे फ्लोराइड आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड चाहिए। सॉरी, तो ये जो इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं, दिस इज आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद मैग्नेटिक स्टीरर विथ TFE कोटेड स्टीरिंग ब्रैकेट, एक मैग्नेटिक स्टीरर चाहिए। तो मैग्नेटिक स्टीरर चाहिए कहाँ पे, इसको इससे क्या करेंगे हम लोग जनरली, जब इसमें आप टेस्ट करेंगे तो यहाँ नीचे क्या होता है ना, एक मैग्नेटिक स्टीरर इतना छोटा सा रहता है पार्ट, तो हम लोग डिप करेंगे और ये जो देख पा रहे होंगे ये स्टीरर है। ये क्या है, स्टीरर है। तो इसमें क्या है, मैग्नेटिक स्टीरर है। तो एक मैग्नेट, आप मैग्नेट तरह का मैग्नेट रहता है ना, तो ये आप उसको क्या है, इतना छोटा सा रहता है, कैप्सूल टाइप रहेगा लंबा सा, उसको जब आप नीचे डिप कर दीजिएगा ना, तो जैसे ही स्टीरर को ऑन करेंगे वो घूमता है, वो ऐसे रोटेट करेगा, वो तेजी में रोटेट करेगा, बहुत फास्ट रोटेट करता है वो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, स्टीरिंग होता है, मतलब मिक्सिंग होता है, मतलब पानी जो होगा ना वो क्या होगा, मिक्स कंडीशन में रहेगा, ताकि जो फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन है उसको इलेक्ट्रोड सही से रीड कर पाए। क्योंकि उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, बफर मिलाते हैं, बफर सोल्यूशन मिलाते हैं जो सैंपल यूज करते हैं उसमें। तो जनरली 50% हम लोग सैंपल यूज करते हैं, 50% हम लोग बफर सोल्यूशन का यूज करेंगे, दोनों को मिक्स करके फिर हम लोग यहाँ पे लेके जाते हैं। ओके, तो यहाँ देख लीजिए सोल्यूशन क्या यूज हो रहा है। तो सोल्यूशन हमने यूज किया है स्टैंडर्ड फ्लोराइड सोल्यूशन, पहला आपको दिख रहा होगा, फ्लोराइड बफर दिख रहा है, दैट इज इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो दैट इज TISAB, TISAB। ओके, टोटल आयोनिक स्ट्रेंथ एडजस्टिंग बफर सोल्यूशन एक वो है। उसके बाद देखिए डिस्टिल वाटर एंड वाटर सैंपल, ये इतना सारा चीज हमको चाहिए बस। तो और डिस्क्रिप्शन अगर देखा जाए इसका, तो फ्लोराइड इज फाउंड नेचुरली इन सॉइल वाटर एंड फूड, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस सिंथेटिकली फॉर द यूज इन ड्रिंकिंग वाटर, टूथपेस्ट, ओके, माउथ वॉशेज एंड वेरियस केमिकल प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, तो ये आपका सेटअप है। ओके, एंड अब हम लोग लैब में आ चुके हैं, सिमुलेशन स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो है हम लोग नेक्स्ट प्रोसीजर पे क्लिक करते हैं। ओके, आगे बढ़े हम। यस सर, तो फर्स्ट थिंग जो आता है हमारे यहाँ हमको करना होगा, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड स्टैंडर्ड। तो जो फ्लोराइड डिफरेंट फ्लोराइड कंसंट्रेशन का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे। जैसे ये क्या चीज़ है, ये पीएच मीटर में भी होता है, जब पीएच मीटर आपने किया होगा, ठीक है, तो उसमें क्या है, आप पहले कैलिब्रेशन करते हैं बफर सॉल्यूशन, जिस चार पीएच का हम कर रहे हैं उसमें हम लोग 8 पीएच, 7 पीएच का कर रहे हैं, 10 पीएच का कर रहे हैं, चेक करते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर को चेक करेंगे, 7 पीएच चेक करेंगे, 4 पीएच चेक करेंगे, ताकि हमारा जो मशीन है उसका कैलिब्रेशन सही है कि नहीं ये पता चल जाए। तो हम लोग फ्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना सकते हैं, डिफरेंट मतलब उसमें कंसंट्रेशन का हम लोग बना सकते हैं, उससे कैलिब्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है स्टेप फर्स्ट आपको कि प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड बाय डाइल्यूटिंग 2.5, 5.0, 10.0 ml ऑफ स्टैंडर्ड फ्लोराइड सॉल्यूशन टू 100 ml विथ डिस्टिल वाटर, ठीक है। तो इसमें जनरली क्या है, आपको 2.5%, 5% और 10% का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे फ्लोराइड के लिए। तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करके हम लोग रख लेंगे, उससे कैलिब्रेशन कर सकते हैं, और अगर मशीन हमारा कैलिब्रेटेड है तब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक सैंपल ऑफ वाटर लाएंगे, उसमें हम लोग वफर मिलाएंगे, टेस्ट कर लेंगे। चलिए पहले हम लोग बनाते हैं। ओके, हमने इसका ढक्कन खोला, ठीक है, ये आपका क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलीज हो गया, तो इसमें 2.5 ml चला गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो डिस्टिल वाटर है उससे उसमें 100 लेबल कर देंगे, ताकि 2.5 ml वो हो गया और रेस्ट हो गया आपका डिस्टिल वाटर। तो 100 ml में आपका जो कंसंट्रेशन है दैट इज 2.5% हो गया, एक तरह से 2.5 ml जो है आपका फ्लोराइड है उसमें। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, उसमें ऐड कर दिया हमने। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से लेंगे, इसमें 5 लेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं इसको, चलिए 5 लिया हमने। ओके, फिर हम इसको इसमें रिलीज कर दिया 5 ml का, तो ये हमारा 5 ml का बन गया। फिर इसको हम 5 ml डालने के बाद 100 ml का बना देंगे, ठीक है, 100 ml मार्क तक हम भर देंगे। फिर हम लोग 10 ml का बना लेते हैं, चलिए। ओके ओके, फिर इसको हम लोग 10 ml डाला इसमें, और फिर इसको रिलीज करके 10 ml आ गया। अब हम लोग को फिर इसमें इसको 100 ml पूरा करना होगा, तो 100 ml तक आप इसको भर दीजिए।
डिस्टिल वाटर हमने 100 ml भर दिया, फिर हम इसको बंद कर लेते हैं फ्लोराइड सॉल्यूशन को, और हमारा ये तीनों सॉल्यूशन जो हो गया रेडी हो गया। सो द फ्लोराइड सॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स एडेड टू बीकर आर इक्विवेलेंट टू 2.5, 5.0, 10.0 mg ऑफ फ्लोराइड आयन पर लीटर। तो एक लीटर में 2.5 mg, 5 mg और 10 mg हमारा फ्लोराइड कंसंट्रेशन का हमारा सॉल्यूशन बन गया। समझ गए ये चीज? तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप बना पाएंगे, ठीक है? ओके, तो क्या पूछा जा रहा है? हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड कैन बी डिटरमाइंड बाय विच मेथड? आपका चलिए अब आइए, अब हम लोग क्या करते हैं, तो वो जो सैंपल आपने तैयार किया था तो उससे स्टैंडर्ड हम लोग क्या करेंगे, मशीन को टेस्ट कर लेंगे, कैलिब्रेट कर लेंगे कि हमारा मशीन सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। तो वो आपका कैलिब्रेशन पार्ट है, आप तीनों चारों सोल्यूशन जो बनाए थे उसको आप टेस्ट करके देख लीजिए। रीडिंग आपका, आपको अगर 2.5 आ रहा है 2.5 बैलेंस तो सही है, 5 आ रहा है 5 बैलेंस ठीक है, 10 आ रहा है 10 सही है। तो एक चीज बेसिकली यहाँ ध्यान रखना ये होता है कि हर बार आपको इलेक्ट्रोड को वॉश करना होता है। हमने पहले भी कहा था जब आप और भी टेस्ट कर रहे थे, टीडीएस हो गया, कंडक्टिविटी हो गया या फिर टर्बिडिटी हो गया, तो हर बार क्या होता था जो वो टेस्टिंग किट में देखते थे जो इलेक्ट्रोड है उसको धोना पड़ता है, आपको डिस्टिल वाटर से वॉश करके फिर आपको उसको यूज करना है और उसको टिश्यू से उसको साफ करके ड्राई करके, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो स्टेप टू है इसमें हम लोग सैंपल लेंगे, जो सैंपल हमने लेके आया है, ठीक है? उसके बाद हम लोग 100 ml का एक बीकर लेंगे, 100 ml का एक बीकर, छोटा सा बीकर लेंगे, 100 ml उसका कैपेसिटी होगा। और हम लोग क्या करेंगे, वाटर सैंपल जो हम लोग लेके आए हैं टेस्टिंग के लिए उसमें से हम लोग 25 ml, 25 ml जो है उसमें से सैंपल निकाल के हम लोग क्या करेंगे, इसमें सैंपल में रखेंगे। सबसे पहले हम लोग सैंपल लेके आए हैं, उसको हम लोग ढक के रखे हुए हैं, उसको खोलेंगे उसका ढक्कन, ठीक है? उसके बाद इससे पाइपेट के थ्रू हम लोग 25 ml जो है सैंपल इसमें, ठीक है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा उसमें सैंपल ऊपर आया। उसके बाद यहाँ ला के उसको रिलीज कर देना है, ओके? तो हमने क्या किया, इसको रिलीज कर दिया, 25 ml हमारा सैंपल यहाँ आ गया बीकर में, ठीक है? क्लियर है, आसान है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 25 ml आ गया है, अब आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट। अब क्या करना है कि जो बफर सॉल्यूशन आप बोल रहे थे कि बफर सॉल्यूशन यूज करेंगे, दिस इज द बफर सॉल्यूशन जो आप बोल रहे हैं, टिसाब बोल रहे हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या करना है, इसमें से भी आपको 25 ml ही ऐड करना है, मीनिंग कि अगर आप 50% वो करें तो 50% ये करना है, ये आपका रूल है इस प्रोसीजर में। तो आपको क्या करना है, जितना ml लिया था, 25 ml आपने लिया था वाटर सॉल्यूशन, 25 ml इसमें आप इसको भी ऐड करिए, ठीक है? चलिए, तो इसमें हम लोग 25 ml पानी यहाँ से लेंगे, राइट, ओके। और हम लोग 25 ml जो है वो हमने सैंपल पानी का लिया था, आप 25 ml जो हम लोग ये बफर सॉल्यूशन को लेके यहाँ रिलीज कर रहे हैं ताकि इसमें चला गया। तब ये हो गया 50, इसको बंद कर दिया हमने। अब हम लोग सैंपल से रेडी हो गए, मतलब सैंपल हमारा तैयार है, अब इसको हम लोग क्या है करना है कि टेस्ट करना है, ठीक है? चलिए, यहाँ एक चीज लिख रहा है, अमाउंट ऑफ टिसाब टेकन शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम अमाउंट ऑफ सैंपल टेकन एंड द टोटल वॉल्यूम शुड बी सफिशियंट टू इमर्स द आईएससी। मान लीजिए हमने अभी बनाया 50 ml का, और 50 ml का बनाने से सपोज कि आपका उतना क्या होगा कि डिप नहीं होगा इलेक्ट्रोड, तो वो भी सही नहीं है, तब आप 50 ml लीजिए, 50 ml लीजिए, ठीक है? 100 ml का तैयार कर लीजिए, समझ गए ना? तो वो करना है, ओके। तो व्हाट डज टिसाब स्टैंड फॉर बताइए, क्या ऑप्शन लग रहा है? 1, 2, 3, 4 दूसरा नंबर, लास्ट वाला, ऑक्सीडेशन स्टेट एडजस्टमेंट सर। आई नहीं, हाँ सर, थर्ड नंबर होगा सर, थर्ड नंबर है, ठीक है? चलिए, यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ओके, चलिए। कैलिब्रेशन ऑफ आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड मीटर, तो कैसे कैलिब्रेशन कर सकते हैं हम लोग यूजिंग, ठीक है? तो कैलिब्रेशन करने का मतलब क्या हुआ कि आप उस पर कैलिब्रेट करेंगे जो आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया था, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे, डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे, उसको डिप करेंगे और चेक करेंगे कि उसको सही आ रहा है कि नहीं, फिर आप उसको ओरिजिनल टेस्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग पहले इलेक्ट्रोड को क्लीन करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर को धो लेते हैं, ठीक है? ड्राई द इलेक्ट्रोड यूजिंग टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर से इसको क्या करेंगे,
क्लीन कर लेंगे, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा क्लीन हो गया, अब हमारा प्लेस द बीकर विथ 2.5 ml फ्लोराइड सॉल्यूशन ऑन ए स्टीरिंग प्लेट एंड एड अ मैग्नेटिक स्टीरिंग बार, देन डिप द फ्लोराइड ISE इन द सॉल्यूशन। तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपने बनाया था उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले पुट करके रख यहाँ रखेंगे, उसका रीडिंग चेक करेंगे हमारा मशीन सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग पहले यहाँ प्लेस करते हैं। एड अ मैग्नेटिक स्टीरिंग बार इन द बीकर, तो एक स्टीरिंग बार होता है मैग्नेटिक बार, ठीक है, इस तरह का देखिए, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ रख देंगे, रख दिया। अब क्या है, हम क्या करेंगे, इसको ऑन कर लेंगे हमारा जो डिवाइस है, ठीक है। इमर्स द इलेक्ट्रोड प्रॉपरली इन द सॉल्यूशन, हम इसको इमर्स कर लेते हैं, चलिए ऐसे रख दिया। अब जो इसको ऑन करेंगे तो हमारा स्टीरिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने ऑन कर दिया, स्टीरिंग स्टार्ट हो गया। स्टॉप द स्टीयर आफ्टर गेटिंग एक्यूरेट वैल्यू, तो हमारा वैल्यू 2.5 आया, मतलब हमारा मशीन जो है दैट इज कैलिब्रेटेड, सही है। बट हम लोग और कंसल्टेशन भी चेक करेंगे, क्लियर है ये चीज, यस। चलिए अब हम लोग इसको फिर वॉश करेंगे, इसको वॉश किया हमने टिश्यू पेपर से, इसको साफ करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है विच सॉल्यूशन इज फिल्ड इन पीएच इलेक्ट्रोड, तो इसमें हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो आप आंसर 3M, 3M, गलत चीज हो गया था, ठीक है, उसको देख लेंगे। उसके बाद देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 5 ml का जो कंसंट्रेशन का आपने बनाया था, 5 ml जो ऐड किया था 100 में, उसको लेंगे। अब उसके बाद फिर सेम प्रोसीजर, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक, ठीक है, रख दिया, इसको हम लोग इंसर्ट कर देंगे उसमें। उसके बाद इसको हम फिर स्टीरिंग करेंगे, और जब तक हमारा सही वैल्यू आया तो स्टीरिंग को बंद कर देंगे, हाँ सही हो, तो 5 आ गया, मतलब हमारा मशीन यहाँ ठीक आ रहा है। एक बार और कर लेंगे इसको, ओके, ड्राई द इलेक्ट्रोड, पूछ लिया हमने टिश्यू पेपर से इसको। उसके बाद पीएच को मेजर पीएच बाय मेजरिंग द डैश ऑफ द सॉल्यूशन इन विच इट इज डिप, क्या निकाला जाता है बताइए, कौन सा डिफरेंस, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 10 ml का जो सॉल्यूशन बनाया था उसको लेंगे। अब उसको लिया हमने, ओके, मैग्नेटिक स्टीरर को ऐड कीजिए, इसको और यहाँ लाइए, ठीक है, ऑन कीजिए स्टीरर को, और हमारा वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद इसको ऑफ कर दिया हमने कि यहाँ 10 आ गया, मतलब हमारा मशीन जो है कैलिब्रेटेड हो गया, कैलिब्रेट हो चुका है। अब हम लोग जो है रेडी हैं किसी भी सैंपल को टेस्ट करने के लिए उसमें। चलिए तो हमारा पहला काम क्या होगा, फिर इसको वॉश करेंगे इलेक्ट्रोड को, इसको क्लीन कर लेंगे, राइट। अब काम पूछा जा रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड इलेक्ट्रोड इज यूज इन द एक्सपेरिमेंट, किस तरह का यूज करते हैं हम लोग बताइए। आयन सेलेक्टिव सेंसर ठीक है, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन है वाटर सैंपल है हमारा, अब उसको लाके रखना है। तो वाटर सैंपल जो आपने तैयार किया था एंड जो उसमें 50% क्या था, जो टिसाब यूज किया था, बफर यूज किया था, उसको लेके आएंगे, ठीक है। एक मैग्नेटिक यहाँ से उठाया हमने, इसको रख दिया यहाँ पे, ठीक है, मैग्नेटिक स्टीयरिंग बार को रखा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को डीप करा देंगे, ओके, गुड। अब हम लोग जो स्टीरर है इसको ऑन करेंगे, तो स्टीरर को हमने ऑन किया और आप देखेंगे कि हमारा ये इसको स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो रीडिंग आ गया, मान लीजिए स्टेबल हो जाएगा रीडिंग, उसके बाद इसको बंद कर दिया हमने, और हमारा रीडिंग कुछ आया 0.11, राइट, 0.11 को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। तो ये जो रीडिंग आपको दिया है, ये आपको दे दिया फ्लोराइड का कंसंट्रेशन इन प्रेजेंट जो वाटर का है उसमें आपको फ्लोराइड का कंसंट्रेशन मिल गया, क्लियर है। तो 0.1 आपने नोट किया ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। तो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इज गिवन वाटर सैंपल इज 0.11 mg/L, ये हमारा आज का रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो जो गिवन वाटर सैंपल था उसमें हमारा फ्लोराइड कंसंट्रेशन जो है वो 0.11 आया, डेट इज 0.11 mg/L, ठीक है, 1 लीटर पानी में जो है 0.11 mg फ्लोराइड होगा, क्लियर है, समझ में आ गया सबको, यस सर।
तो आर यू एबल टू परफॉर्म दिस टेस्ट इन लेबोरेटरीज, अगर आपको सब कुछ दिया जाए आप परफॉर्म कर पाएंगे? यस सर। क्या सर? गुड, यस सर। तो अभी देखिए एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे, व्हाट इज द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, क्या है बताइए? 2 ppm। 1.5 ppm। बी नंबर, लेस देन 1। बी नंबर है, 1 नंबर होगा सर। सर ये पहला वाला नंबर 1 था। परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इज वाटर इज 1.1 mg पर लीटर, बट क्या होता है कि 1.5 जो है वो आपको रहता है, ठीक है सर? कहीं कहीं में 0.5 से लेके 1.5 दिखाता है। दिखाता है 1.5 तो जनरली लिया जाता है। मान लीजिए जहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, जहाँ फ्लोराइड बहुत ही ज़्यादा है, तो आप कोड एक बार जरूर पढ़िएगा, वहाँ पे क्या होता है कि वो थोड़ा वेरी करता है, कहीं कहीं जो है लिमिट जो है बढ़ाया जाता है, क्योंकि सर्टन कंडीशन में जहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उसी तरह का पानी है तो उसमें 1.5 तक इसका लिमिट होना चाहिए जो रहता है ड्रिंकिंग वाटर में। सो द वाटर सैंपल हैज फ्लोराइड लेवल 0.11 mg पर लीटर, सो इट इज टेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो हमारा इससे क्या पता चल गया कि ये पानी जो है ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल है। तो अगर आपके पास कोई पानी पी रहे हैं और टेस्ट करना है तो आप फ्लोराइड टेस्ट करके देखिए कि पानी उसमें कितना आ रहा है, पी रहे हैं सही पानी है या नहीं। तो आप ये सब सीखने से क्या है, ये प्रैक्टिकल अवेयरनेस क्या है, आपको समझ में आ जाएगा, आप टेस्ट कर पाएंगे लेबोरेटरीज में। जब भी आपको ये जो आयन सेलेक्टिव जो टेस्टर है, मीटर है इसका, उसका यूज करके हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है सब यहाँ तक? यस सर। यस ठीक है। कुछ इसमें पोस्ट टेस्ट है, क्या लगता है आप जवाब दे पाएंगे? चलिए, फ्लोराइड्स प्रेजेंट इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय विच मेथड? आईआईसी, आईएससी। बी नंबर, नंबर सर, दोनों में बी नंबर होगा, बिकॉज दोनों से हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, कोलोरोमेट्रिक मेथड इज कंस्ट्रिक्टेड टू, मतलब ये किस कब तक, कहां तक लिमिटेड है? लो सी नंबर होगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड्स कैन बी डिटरमाइंड बाय आयन सेलेक्टिव मेथड। अभी पढ़े हम लोग सर, बी नंबर, बी नंबर। द की एलिमेंट इन फ्लोराइड इलेक्ट्रोड इज डैश डोप लैथिनम फ्लोराइड क्रिस्टल, लेजर टाइप। The reference electrode used in ion selective method is AgCl, last one. AgCl, yes sir. Last number. ठीक है, ये सारी चीज हमने आज ही सेशन में देखा है। सबमिट करने पे 5 out of 5। तो आपने सारा क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, बधाई हो। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, सो अभी ये references देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या है, अलग अलग reference आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, उसका मेथड ऑफ सैम्पलिंग टेस्ट क्या है, ड्रिंकिंग वाटर का सब्स्टिट्यूशन देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कोड दिख रहा होगा आपको। उसके बाद और भी चीज़ें हैं यहाँ रेफरेंस दिया हुआ, जिसके बेस पे ये आपका लैब में थ्योरी दिया हुआ था, सब चीज़ दिया हुआ था बेस्ड ऑन दिस। ओके, तो हम लोग आज का सेशन यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सीख लिया है कैसे हम लोग फ्लोराइड को टेस्ट करेंगे, फ्लोराइड कंसनट्रेशन निकालेंगे पानी का। ओके, ठीक है, तो इसको आप लोग ऑब्जर्वेशन कर लीजिए। ओके, और ऑब्जर्वेशन को आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, और फिर जब फाइनली जब सबमिशन होगा, रिकॉर्ड्स वगैरह सबमिशन होगा, उस समय आप लोग इसको उसमें एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना? अभी जिसके पास पेज नहीं है वो इधर उधर नहीं जाना है, घर पे रहिए, तो पढ़ाई कीजिए और लैब का भी आनंद लेते रहिए, क्या, यूजिंग वर्चुअल लैब। यस सर। तो थैंक्स टू वर्चुअल लैब कि आप लोग इतना सीख पा रहे हैं। ओके, चलिए।